शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। लो भाई, इनमें से लड़का पसंद कर लो और देख लो कि कौन इनमें से उर्मी का दूल्हा बनने लायक है। मुझे तो ये लड़का बहुत पसंद है। अरे तुम्हारी पसंद ना पसंद से क्या होना है, हाँ? लड़की को और लड़की की अम्मा को पसंद आना चाहिए। मुझे भी लड़का पसंद है, संस्कारी दिख रहा है। और लड़की को? आप सबको पसंद है तो मुझे भी पसंद है जीजा जी। मतलब पहली बार इस घर में सभी लोग एक लड़के पर एकमत हुए हैं। लेकिन लड़के की सबसे बड़ी खासियत तो इस फोटो में दिख ही नहीं रही है। अच्छा, और वो क्या है? अरे बहुत बड़ी संपत्ति का मालिक है लड़का। बड़ी बहन की शादी हो गई है, पिता की मृत्यु हो चुकी है, अब ये लोग यहीं पास में ही रहते हैं और लड़का अपनी माँ शोभा देवी की ममता की छत्र छाया में सुखी सुखी जीवन गुजार रहा है। और पता है, लड़के की शादी के लिए नया बंगला बनवाया है। राज करेगी अपनी उर्मी। तो शादी की बात आगे बढ़ाइए दामाद जी। अब जब सबको लड़का पसंद है ही, तो फिर देरी किस बात की, बात आगे बढ़ाते। क्यों उर्मी? मैं शादी नहीं करना चाहता। अरे क्यों? माँ मैं शादी कर आपको छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता। अरे तू कहीं नहीं जाएगा पगले, तेरी बीवी आएगी यहाँ। माँ लेकिन दीदी तो गई जीजा के घर। अरे बेटा, लड़कियाँ जाती हैं, लड़के नहीं जाते। अब देख, मैं भी तो आई थी ना तेरे पापा के घर। माँ इसका मतलब मुझे कहीं नहीं जाना होगा? बिल्कुल नहीं, तेरे लिए चांद सी दुल्हन ढूंढी है हमने, जो यहाँ आकर पूरे घर को रोशन कर देगी। सच? अरे वाह, इसका मतलब मैं दूल्हा बनूंगा, दूल्हा बनूंगा, ये मैं दूल्हा बनूंगा, दूल्हा बनूंगा। मैं अंदर आ सकता हूँ? मैं अमर का जीजा हूँ। जी। बैठने के लिए नहीं कहेंगे हमें? बैठिए ना। अमर कहीं बाहर गए हैं क्या? अपनी माँ के साथ है भाई, उसकी दुनिया तो अपनी माँ से शुरू होती है और अपनी माँ पर ही खत्म हो जाती है। शायद आपके घर वालों ने लड़के के बारे में ठीक से पता नहीं किया। ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? दरअसल अमर जो है ना, वो थोड़ा सा, मतलब चलिए तो फिर हम चलते हैं। वैसे भी हम दो दिलों के बीच में दीवार नहीं बनेंगे भाई, चलते हैं हम।
आ बेटा चलो बैठो। ऐसे माँ माँ आप भी बैठिए ना। अरे नहीं बेटा, आज तुझे यही रहना है उर्मी के साथ अकेले। ये क्या सच में पागल है? अरे आप रो क्यों रही हैं? आपको आपकी माँ की याद आ रही है? हम लोग है ना यहाँ, मेरी माँ है ना, आपका बहुत ख्याल रखेगी, आपसे बहुत प्यार करेगी और हम भी आपसे बहुत प्यार करेंगे। अब फिर से रो रही है? मैं काम करता हूँ, मैं माँ को बुलाता हूँ। हाँ माँ माँ। नहीं नहीं कोई तकलीफ नहीं है, आप सो जाइए। मैं आपको बातों बातों में बोलना ही भूल गया। माँ ने ना ये प्यारे प्यारे कंगन दिए आपको मुंह दिखाएंगे गिफ्ट देने के लिए। देखिए कितने प्यारे है ना, ये आपके लिए ही है। अब तो खुश हो जाओ। कितने अच्छे लग रहे हैं है ना। अब एक काम करते हैं, हम सो जाते हैं ठीक है। दुनिया में जब शादियों की शुरुआत हुई, धोखे की नींव भी साथ में पड़ गई। ये धोखा कभी सामने के परिवार से मिलता है तो कभी खुद के परिवार से। हाँ कारण जरूर बदलते रहते हैं, कभी झूठी शान के लिए झूठ बोला जाता है तो कभी संपत्ति के नाम पर, लेकिन इस गलत सोच का अंजाम हमेशा एक सा ही होता है, रिश्ते में गांठ पड़ जाती है और कभी कभी मामला तलाक तक भी पहुँच जाता है। कुछ मामलों में तो बात हत्या या आत्महत्या तक भी पहुँच जाती है। आज की हमारी ये कहानी कुछ ऐसे ही रिश्तों की कहानी है जिनमें पनप रही थी ऐसी बेचैनी जिसने इस परिवार की खुशियों को ही निकल लिया। हो गई माँ जी, आप सभी लोगों को भी तो लड़का पसंद था, लड़का अमीर घर का था, दिखने में अच्छा था, इसलिए बस लड़के के बारे में जानकारी नहीं ली। जिंदगी बर्बाद हो गई हमारी बहन की। अब मैं उस घर में कभी वापस नहीं जाऊंगी। देखिए माँ जी आप परेशान मत होइए, मैं समझाता हूँ उर्मी को, आप लोग जरा बाहर जाइए मैं बात करता हूँ। उर्मी हमारे घर आ गई है, उसकी माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। अरे तो बता के तो जाना चाहिए था, हम लोग कितना परेशान हो रहे हैं। शर्म के मारे आपको कॉल भी नहीं लगा रहे कि पता नहीं आप लोग क्या सोचेंगे कि हमने लड़की के साथ क्या कर दिया है। माँ जी आप परेशान ना हो, बस मैं उसे लेकर आ ही रहा हूँ। देखिए जल्दी आइए, अरे अमर बहुत परेशान हो रहा है, देर हुई तो वो खुद चलाएगा उसे लेने। नहीं नहीं किसी को आने की जरूरत नहीं है, मैं बस निकल ही रहा हूँ।
माफ करिएगा माँ जी, बिना बताए चली गई थी। माँ तो ठीक है ना तुम्हारी? जी। जाओ अपने कमरे में जाओ, अमर इंतजार कर रहा है, जाओ। अच्छा माँ जी, मैं भी चलता हूँ, तकलीफ के लिए माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं, बच्ची। क्या क्या पसंद है? मुझे हाँ, आलू पालक की सब्जी और घी वाली रोटी। और आपको? अरे ये तो मेरी भी पसंद है, हम दोनों की पसंद कितनी मिलती जुलती है ना। हाँ, इसलिए तो भगवान जी ने हम दोनों को पति पत्नी बनाया। आपको पता है माँ कहती है कि पति और पत्नी का रिश्ता सातों जन्मों का होता है। अब आप थोड़ी देर अकेले रहिए, मैं अभी किचन से आती हूँ। ठीक है। दूध पीजिए। नहीं, मुझे दूध पसंद नहीं है। मेरी खातिर। अब एक काम करो, ये दूध तुम ही पी लो। नहीं 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 नहीं, आप पियो ना, मैं आपको पिलाता हूँ। पी लो। नहीं नहीं नहीं, पी लो ना। आप तो ऐसे डर गई जैसे दूध में जहर था। अच्छा रहने दो, मैं गोपाल को बोल दूंगा, वो साफ कर देगा। नहीं नहीं, मैं साफ कर लूंगा। नहीं नहीं, गोपाल कर देगा। जो कुछ भी हुआ है अब उस पे आंसू बहाने से कुछ हासिल नहीं होगा। तुम्हारी शादी हम दूसरे लड़के से कर देंगे। इसके लिए केवल एक ही रास्ता है, तलाक का। अमर तुम्हें तलाक देगा नहीं, वो तुम्हें अपनी पत्नी मान चुका है, तुमसे प्यार करने लगा है। तो फिर अब एक ही रास्ता बाकी है, उसे जान से मारना होगा। ज्यादा सोचो मत उर्मी, तुम अमर से प्यार करती हो? नहीं ना, तो बस दिक्कत क्या है? सुनो, जो लड़का तुम्हें सुहागरात की मुंह दिखाई में इतने महंगे कंगन दे सकता है, तो सोचो उसके पास कितनी दौलत होगी। उसकी सारी दौलत तुम्हारी हो जाएगी, सारा जीवन सुख में कटेगा। और फिर तुम अपने जीजा और दीदी की भी तो मदद कर पाओगी ना। देखो, तुम्हें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, तुम्हारा जीजा है अभी। प्लान पर काम शुरू हुआ? एक तो फेल हो गया, दूध में जहर मिलाया था मगर वो दूध पीता ही नहीं। अच्छा हुआ फेल हो गया, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में जहर का पता चल जाता,
तुम इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकती हो? सुनो, तुम कोई और उपाय ढूंढो, मैं भी कुछ सोचता हूं, ठीक है? लड़का हमारा प्लान सफल कर सकता है। हेलो, अरे तो मैं क्या कर सकता हूं? माँ जी ने मुझे बिना बताए ये रिश्ता जोड़ दिया। लेकिन तुम फिक्र मत करो, इस घर की बहू सुनीता ही बनेगी और इस नई बहू का तो मैं पक्का इंतजाम करूंगा, तुम बस देखते जाओ। आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे बचाते बचाते अमर को चोट आ गई। कोई बात नहीं, माँ कहती है कि पत्नी की रक्षा करना पति का फर्ज होता है, और अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं तो अकेले पड़ जाता ना।
हो उर्मी, ना फोन उठा रही हो, ना फोन कर रही हो, ना प्लान में आगे बढ़ रही हो। मैं अमर को कैसे मार सकती हूँ जीजू? उर्मी अपने आप को मजबूत बनाओ, हो जाएगा। बहुत बोला है वो। उर्मी तुम अपने मकसद से भटक रही हो, तुम उसे मारने गई थी या नहीं गई थी? हाँ मैं उसे मारने आई थी, मैंने उसे दूध में जहर देने की कोशिश करी, नहीं पिया उसने, कार के नीचे आकर भी नहीं मरा वो, उल्टा अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई। बहुत प्यार करता है वो मुझसे, मैं उससे प्यार करूं या ना करूं लेकिन मैं उसकी जान नहीं ले सकती, और अब मैं आपकी कोई बात नहीं मानने वाली। देखो उर्मी, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप मेरी जिंदगी तय नहीं कर सकते हैं उर्मी। अमर की दौलत को लेके मैंने बहुत सपने देखे हैं, और अगर मेरा सपना टूटा ना तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। लालच में कोई इंसान इतना गिर सकता है आज पता चला। मैं अभी जाकर उन्हें सब कुछ सच सच बता दूंगी। मैं गिरा हुआ? तू गई थी ना अपने पति को मारने और अब ढोंग कर रही है। जा जा, बोल दे, बोलो खुद तुझे धक्के मार के यूं घर से निकाल देंगे, समझी? अमर के मंदबुद्धि होने के कारण उर्मी के मन में जो भाव जागे थे वो अमर के व्यवहार से खत्म हो गए थे। अमर के भोलेपन और प्रेम ने उर्मी को बदल कर रख दिया था, लेकिन क्या वो सच में बदल गई थी? उसके जीजा विशाल और अमर के जीजा अशोक की नजर अब भी अमर की दौलत पर थी। वो अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। अपने भीतर इस बदलाव को जानकर क्या उर्मी सुखी रह पाएगी? क्या उसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाएगा? क्या वो सच में अमर से प्यार करने लगेगी? आगे उर्मी का जीवन कौन सा मोड़ लेगा, ये देखना अभी बाकी है। आइए देखते हैं। तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम जलेबी खाओगी, मैं जलेबी लेने जा रहा हूँ। उर्मी उर्मी उठो ना, उर्मी उठो ना। माँ माँ माँ, मुझे मुझे उर्मी ने कहा था कि उर्मी मुझसे कभी कभी मुझसे रूठेगी नहीं, अब मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। उर्मी सबसे पहले लाश को किसने देखा? मैंने देखा था। क्या लगती है ये आपकी? बहू है मेरी। और ये दोनों? माँ के चीखने की आवाज सुनी तो हम लोग तो दौड़े चले आए, हम यहीं रहते हैं, ये मेरे हस्बैंड है। और बेटा कहाँ है आपका? उर्मी की मौत से बहुत घबराया हुआ, बहुत प्यार करता था उर्मी से, थोड़ा मंद बुद्धि है इसलिए सादा परेशान हो जाता हो रहा। हम उर्मी के लिए जलेबी लाने के लिए जा रहे थे, उसने कहा था कि वो मीठा खाएगी, जाने के लिए निकले ही थे कि उर्मी हमसे रूट कर चली गई। देखिए हत्या घर के आंगन में ही हुई है, तो जरूर कोई जान पहचान वाला ही इसमें शामिल हो सकता है। आपके घर में कुछ और भी गायब हुआ है, गहने वगैरह या कुछ और? गहने तो कोई चोरी नहीं हुए, दरअसल हम लोग रोज रात में गेट बंद करके जाते हैं, पर आज सुबह जब मैं आई तो गेट खुला हुआ और उर्मी मरी हुई पड़ी थी।
आपको किसी पर शक? हाँ, अपनी बहू के लिए हमें अपने पड़ोसी पर शक है। राकेश नाम है उसका, भी परेशान किया करता था उर्मी को, उसी ने मारा होगा उर्मी को। अभी कल ही की बात है, काया होगा मेरी बहू को, और जब बात नहीं बनी तो मार दिया उसे। सबसे पहले इस मोबाइल को ऑन करवा के चेक करवाओ और आसपास के लोगों से पूछताछ करो। सर, दूसरों की बहू बेटियों पे गंदी नजर रखता है, बता क्यों मारा उर्मी को? मैंने नहीं मारा उसे सर, मैं उसे पटाने की कोशिश करता था। मुझे क्या करना होगा? मेरे पति से छुटकारा दिला सकते हो? तेरे प्यार में कुछ भी कर सकता हूँ। इस काम में तुम अकेले नहीं हो, कोई है जो तुम्हारी मदद करेगा। उल्टा उसने मुझे पिटवाया था सर। उसने धोखा किया तो तूने उसे मार दिया? नहीं सर। तो फिर किसने मारा? मुझे क्या पता सर। तू आशिक है ना उसका, उसके घर पर नजर भी रखता था। याद कर उस रात कौन कौन आया था। मार पड़ने के बाद मैंने नजर रखना छोड़ दिया था सर। फिलहाल के लिए तो हम तुझे छोड़ दे रहे हैं, मगर दोबारा जरूर आएंगे। जी सर। समझा? जी सर। जा। सर, उर्मी को लास्ट मैसेज विशाल ने किया था मर्डर के कुछ मिनट्स पहले। उसका जीजा है सर। एक बात और सर, ये विशाल और उर्मी की अक्सर बातें होती रहती थी। और एक बात सामने आई है सर, ये अमर और उर्मी को किसी ने कार से टक्कर मारने की भी कोशिश की थी। कोई बड़ा चक्कर लगता है। तुम एक काम करो, गाड़ी की सारी डिटेल्स निकलवा के उसके मालिक को थाने बुलवाओ। सर, उर्मी को लास्ट मैसेज तुमने ही किया था ना मिलने के लिए, और आपस में बहुत बातें भी होती रहती थी। उर्मी अपनी शादी से बहुत परेशान थी, इसलिए कभी सर भाग जाने की बात करती थी तो कभी सर खुद को ख़त्म करने की। तो सर उसे बस समझाने के लिए फ़ोन किया था, लेकिन सर वो मान ही नहीं रही थी, इसलिए सोचा कि खुद उसके पास जाकर उसे समझाऊं। बस सर इसीलिए बुलाया था। समझाने आए और मर्डर करके चले गए? नहीं नहीं सर, मैं कैसे उसे मार सकता हूँ। और ये मैसेजेस में किस बात की प्लानिंग कर रहा था तू? बोल, किस बात की प्लानिंग कर रहा था? इसी बात की नहीं सर। तू ऐसे नहीं मानेगा। कुछ नहीं किया सर। सर बताता हूँ। मैंने और उर्मी ने अमर को मारने की प्लानिंग की थी, इसीलिए उर्मी वहां उसे मारने गई थी। लेकिन सर वो बाद में मुकर रही थी कि वो ऐसा नहीं कर सकती, बहुत प्यारा लड़का है अमर। लेकिन सर उर्मी की मौत से मेरा कोई लेना देना नहीं है। इतने कमीने हो तुम, पहले पैसों के लालच में एक अयोग्य लड़के से उर्मी की शादी करवा दी, और फिर उसी उर्मी के साथ मिलकर तूने उस लड़के की हत्या करने की साजिश रच डाली। शर्म आनी चाहिए। अंदर डालो इसे। सर मैंने कुछ नहीं किया। मैडम मैंने कुछ नहीं किया सर, मुझे छोड़ दीजिए। ऐसा कभी सोचा नहीं था, मैं अब उनके साथ और नहीं रह पाऊंगी माँ। माँ, मुझे उर्मी की बहुत याद आती है। माँ, मैं उर्मी को जलेबी नहीं खिला पाया। माँ, जलेबी नहीं खिला पाया। माँ, सब ठीक हो जाएगा बेटा, सब ठीक हो जाएगा।
सर मैंने उस कार की डिटेल निकलवा ली है जिससे उर्मी को मारने की कोशिश की गई थी। ए, इधर आ। मैं? हाँ सर ये उसी घर का नौकर है। जी साहब। इस घर में कौन कौन आता जाता था? साहब आता जाता तो कोई नहीं था, बस अशोक जीजाजी और माला दीदी आती थी। और ये अशोक कैसा आदमी है? अशोक बाबू की नजर इस घर की प्रॉपर्टी पर थी। हमने अपने कानों से सुना था। हेलो, इस घर की बहू सुनीता ही बनेगी और इस नई बहू का तो मैं पक्का इंतजाम करूंगा, तुम बस देखते जाओ। अशोक जीजाजी अमर भैया की शादी से खुश नहीं थे, इसीलिए शायद उन्होंने मार दिया उर्मी को। सर ये उसी कार का ड्राइवर है जिससे उर्मी को मारने की कोशिश की गई थी। बोल, किसके कहने पे मारना चाहता था उर्मी को? बोल। सर उर्मी के जीजा अशोक के कहने पे। उर्मी से क्या दुश्मनी थी तेरी? कोई दुश्मनी नहीं थी सर। पता चला है कि उसकी दौलत पर नजर थी तेरी। उस घर के नौकर गोपाल और वो कार के ड्राइवर ने तेरी सारी पोल खोल दी है। सच सच बता, वरना जानता है ना कि पुलिस को और भी तरीके आते हैं निकलवाने के। सर ये सच है कि मेरी नजर घर की संपत्ति पर थी, मारना भी चाहता था उर्मी को। कार से उड़ाने का प्लान भी बनाया था मगर वो बच गई। मगर ये भी सच है सर कि मैंने उसे नहीं मारा। ठीक है, जाने देता हूं तुझे। राकेश और विशाल के घर पे नजर रखो, इधर अशोक और उधर विशाल, दोनों ही दामाद कमीने हैं। अब हमें अपनी इन्वेस्टिगेशन का रूट बदलना पड़ेगा। कातिल को ये लगना चाहिए कि हम लापरवाह हो गए हैं, जिससे कि वो कोई ना कोई गलती जरूर करे। परिवार की इज्जत के नाम पे हत्या कर दी और हमें घुमाती रही। बोलिए क्या मामला है सारा? आप तो जानते मेरा बेटा मंद बुद्धि, उर्मी पढ़ी लिखी थी, समझदार थी, मुझे लगा कि मेरे बेटे के साथ निभा लेगी। कहीं रिश्ते तोड़कर हमने उर्मी का रिश्ता जोड़ा था। उसके लक्षण शादी के दिन से ठीक नहीं थे, यहाँ रह तो रही थी पर उसका दिलो दिमाग ने मायके में ही लगा था। हैं? ये बात भी बर्दाश्त कर गई, लेकिन यहाँ रहते हुए भी उसने दूसरे मर्दों के साथ संबंध जोड़ा, इसीलिए मार दिया उसे मैंने। और जब ये हत्या हुई तो आपका बेटा कहाँ पर था? वो मेरे साथ ही सो रहा था। लेकिन अब मेरा बेटा बिल्कुल अकेला हो गया, बिल्कुल अकेला हो गया। अरे आखिर कर क्या रहे हैं आप लोग? खोलिए से। पर बात क्या है? मैंने कहा खोलिए से। खुल नहीं रहा है। बाहर से ताला और अंदर से बंद। पता नहीं सर क्यों बंद है। आप ही का घर है और आपको ही पता नहीं? आप लोग
अमर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बाहर निकलो। माँ, मैंने आपसे कहा ना, उर्मी को मैंने मारा है, मेरे बेटे को क्यों परेशान कर रहे हैं आप? मुजरिम अपनी तैयारी करके अपराध करता है, लेकिन हम पुलिस वाले तहकीकात करते करते असली मुजरिम तक पहुंच ही जाते हैं, इसलिए आप शांत रहिए तो बेहतर है। उर्मी को किसने मारा जानते हो? मैं तो सो रहा था। कहाँ? उर्मी के साथ। लेकिन तुम्हारी माँ ने तो कहा था कि तुम उनके साथ सोए थे। सच सच बोलो, वरना तुम्हें तुम्हारी माँ के साथ में जेल में डालेंगे और डंडे मारेंगे। कहा ना आपसे हम कातिल, ये सब क्या है? आपसे कहा ना शांत रहिए, हमने सब पता लगा लिया है। मर्डर वेपन पे अमर के फिंगरप्रिंट्स के निशान हैं, और तो और इसके खून के ट्रेसेस भी मिले हैं। तुम्हारी और तुम्हारी माँ की बातों में तो कोई तालमेल भी नहीं मिलता। अब तो सच सच बोल दो अमर, वरना तुम्हारे साथ तुम्हारी माँ को भी पीटेंगे। इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर साहब, मेरी मेरी माँ को ना, मेरी माँ को कुछ मत करना। मैं आपको सब बताता हूँ। नहीं अमर। नहीं माँ, आपको कुछ नहीं होना चाहिए। माँ, मैं बताता हूँ आपको कि मैंने क्या किया। इंस्पेक्टर साहब, उर्मी का ना यही अंजाम होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि हाँ, मैं उसे मारने आई थी। मैंने उसे दूध में जहर देने की कोशिश करी, नहीं पिया उसने। कार के नीचे आकर भी नहीं मरा वो। वो मुझे मारना चाहती थी, इसलिए मैंने उसे मार दिया। मैं अपनी पत्नी को नहीं मारता तो वो मुझे मारती थी। वो मुझे जहर देना चाहती थी, कार के नीचे कुछ उड़ाना चाहती थी। पूरी थी वो। हमें लगा कि पुलिस हमें कभी नहीं पकड़ पाएगी, इसलिए अमर के खून से सने हुए कपड़ों को मैंने जला दिया। जी, आपका बेटा भले ही मंदबुद्धि है, लेकिन आप तो समझदार थी। उर्मी ने आपको और आपके परिवार को अपना लिया था। वो अमर से प्यार करने लगी थी, उसने ये बात खुद अपने जीजाजी को बताई है। लेकिन अफसोस, उसको इस घर में समझने वाला कोई भी नहीं है। अब आपकी बेटी की जिंदगी पूरी जेल में कटेगी, और इसका साथ देने के जुर्म में आपको भी सजा मिलेगी। काश
कि इस नादान को ये पता होता कि इसने क्या खोया है और क्या पाया है। ले चलो इन दोनों को। रिश्तों के बीच भरोसा होता है और इस कहानी में हर कोई इस भरोसे को तोड़ रहा था। अमर के जीजा अशोक और उर्मी के जीजा विशाल के मन में संपत्ति का लालच था। एक कमजोर इंसान अपने करीबी रिश्तेदारों में सहारा ढूंढता है, मगर जब रिश्तेदार विशाल और अशोक जैसे हों जो लालच में आकर षड्यंत्र रचे और आपको मारना चाहे तो क्या होगा। इस कहानी में अमर प्रत्यक्ष रूप से मंदबुद्धि था तो उर्मी अप्रत्यक्ष रूप से, इसलिए वो नादानी में अशोक के बहकावे में आ गई और उसने इतना बड़ा जुर्म कर दिया। किस्मत ने उसे अपनी गलती सुधारने तक का मौका नहीं दिया। अब एक बार शांति से बैठिए और विचार कीजिए कि कहां जा रहे हैं। क्या पैसा और संपत्ति ही सब कुछ है? अभी मैं चलता हूं, फिर मिलूंगा एक और नई कहानी के साथ। देखते रहिए जुर्म और जज्बात।